नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल में भी पानी की किल्लत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। सूखे से पहाड़ों पर आम जनता परेशान है। 4 से 5 दिनों तक जो पानी है वो नहीं लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में अब लोग काफी ज्यादा परेशान है और शिमला जल प्रबंधन निगम का दावा है शहर में 2 दिन बाद पानी की सप्लाई जो है वो सुचारू ढंग से की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। हिमाचल में भी पानी की किल्लत जो है वो बरकरार है। सूखे से पहाड़ों पर आम जनता परेशान है क्योंकि गर्मियों का मौसम हो और ऐसे में पहाड़ों में भी पानी की जो किल्लत है वो बनी हुई है और लोग काफी परेशान। उनका कहना है कि पानी तो नहीं आ रहा है और आसपास के जो पेशरोत है वो भी सूख गए हैं। तीसरे दिन आ रहा है, कभी चौथे दिन आ रहा है, पर ऐसा है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी जब पीछे सोर्सेज सूख रहे हैं। ठीक है ना जी, अगर तो इनके पास पानी हो तब तो ये दें, जब पानी नहीं है तो कहाँ से देंगे। और कई जगहें ऐसी जहाँ 7-8 दिन हो गए हैं, वो बेचारे कैसे गुजारा करते होंगे। चलो हम तो स्टॉक रखते हैं। देखिए, शिमला में पानी की समस्या आज कुछ दिनों से है और आज हमको 31 MLD पानी मिला था, जबकि शिमला में 42 से 45 MLD की रिक्वायरमेंट थी और आज का टूरिस्ट का सीजन है, उससे लगभग 45 MLD तक हमारे को रिक्वायर्ड है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे अभी जो हम पानी को है, हम दूसरे तीसरे दिन में चले गए, 2 दिन छोड़ के हम पानी अब इलाकों को दे रहे हैं जहाँ, लेकिन तीसरे दिन जहाँ दे रहे हैं वहाँ हम उसको प्रॉपरली दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों से भी उम्मीद ये निवेदन ये करें कि पानी को थोड़ा कम मात्रा में किफ़ायत करें, उसको रोज़मर्रा की लाइफ में इसको रूटीन बनाएं कि आप थोड़ा थोड़ा कम पानी यूज़ करें। और टैंकर के माध्यम से भी हम पानी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ टैंकर की डिमांड आ रही है उसको लेकर के भी हमने पानी देने का जो हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया है वहाँ उसके माध्यम से भी पानी दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सुना, हालांकि कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि लोगों के घरों तक पानी यहाँ पर पहुंच सके, लेकिन लोगों का कहना है कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है और खासकर दूर दराज के जो इलाके हैं, पहाड़ों के जो इलाके हैं, वहां पर तो पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल सा हो गया है और ऐसे में लोगों का कहना है कि कई कई जगह तो ऐसी है जहां पर 7 से 8 दिनों तक का पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आम जीवन में भी जो दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम और पानी की जो किल्लत है वो पहाड़ों पर भी बनी हुई है। अब ऐसे में जो आपको बता दें, जल विभाग है वो भी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा है कि जल्द से जल्द जो है जलापूर्ति वो यहाँ पर की जाए लोगों के घरों तक। ऐसे में लोगों को टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों पर अब पानी की किल्लत जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और लेकिन इस बीच जो है कई जो गांव हैं वो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हो रखी हैं। उनका कहना है कि कई दिनों से पानी जो है वो भी नहीं आया है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की दिक्कतें हो रही है। बात शिमला की जाए क्योंकि देखिए पर्यटन सीजन अभी चल रहा है, पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं, होटल्स में भी ऑक्युपेंसी जो है काफी बनी हुई है और इस बीच अगर पानी की समस्या बनी हुई है तो ऐसे में लोगों के लिए भी दिक्कत है, स्थानीयों के लिए भी दिक्कत बनी हुई है यहाँ पर। तो लगातार क्योंकि हर साल देखा जाता है कि गर्मियों के सीजन में पानी की किल्लत पहाड़ों पर आम हो जाती है। अब ऐसे में कई दूर दराज के गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी की किल्लत जो है काफी समय से बनी हुई है, आसपास के जो जलाशय हैं वो भी सूख गए हैं। और मंडी से धर्मवीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। फिलहाल सबसे पहले मंडी का रुख करेंगे। धर्मवीर, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है पेयजल संकट को लेकर? धर्मवीर, क्या संकट वहां पानी का बना हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है मंडी में? चलिए, रॉबिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रॉबिन, शिमला में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है क्योंकि जल संकट पहाड़ों पर इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है और ऐसे में जल संकट अगर इस तरीके का रहेगा तो स्थानियों के लिए तो और दिक्कत बढ़ जाएगी।
जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में पिछले लगातार लंबे समय से जो है सूखे का मौसम चल रहा है और गर्मी भी बढ़ रही है, तो ऐसे में जो जल स्रोत है वहाँ से कम मात्रा में जो पानी है वो शिमला पहुंच रहा है। यहाँ ज्यादातर जो जरूरत रहती है वो 40 MLD की जरूरत रहती है, लेकिन अब ये जो पानी है वो 31 MLS के आसपास पहुंच रहा है, तो काफी कम जो है आवश्यकता से यहाँ पर पानी पहुंच रहा है। और ऐसे में स्थिति यह है कि कुछ इलाकों में जो पानी है वो 3 दिन के गैप में दिया जा रहा है, हालांकि प्रशासन यही दावे कर रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पानी है वो 5वें दिन और 6वें दिन और 7वें दिन पहुंच रहा है। तो ऐसे में लोगों को या तो पानी स्टोर करके रखना पड़ रहा है, और उसमें भी दिक्कत यह है कि पानी एक लिमिटेड समय के लिए आ रहा है, तो उतना पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है जितने से पूरे दिनों की आवश्यकता पूरी हो पाए। तो ऐसे में अब सिर्फ एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थोड़ी बरसात हो ताकि वाटर रिसोर्सेज है वो थोड़े भरें, और उसके बाद जो है जो पानी की जो किल्लत है, पानी की जो कमी है वो पूरी की जा सके। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच ये है कि अगर बरसात ज्यादा मात्रा में हुई तो जैसी स्थिति पिछली बार यहाँ बरसात के दिनों में देखने को मिली कि जल स्रोतों में गाद भर गई, इसके बाद पानी को पहुंचाने में और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में एक ये स्थिति भी आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है। लेकिन उससे पहले प्रशासन निश्चित तौर पर कोशिश कर रहा है कि लगातार लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके। हालांकि इन दिनों में भी टैंकरों की सहायता जरूर ली जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो पानी की जो कमी है उससे तो फिलहाल जूझना पड़ रहा है। और कई इलाकों में स्थिति यह है कि जो 5वें और 6वें दिन यहाँ पर जो है पानी पहुंच रहा है, तो पानी पीने के पानी के लिए जो लोग हैं अब जो आसपास के जल स्रोत है, बावड़ियां हैं और इसके अलावा जो चश्मे हैं वहां से पानी का जो है बंदोबस्त कर रहे हैं। और हालांकि पहले जब यहाँ पर शिमला में भी खास तौर पर जो पानी का रिसोर्सेज था वो प्राकृतिक रिसोर्सेज से यहाँ पर पानी आता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ क्राउड बढ़ा तो यहाँ से उठाव जल परियोजना के माध्यम से जिसमें सतलुज से और तमाम नदियों से पानी पहुंचाने की बात शुरू हुई थी, और उसके बाद उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत यहाँ पर पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन पानी अभी भी यहाँ पर कम है, और ऐसे में आप आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से यहाँ का जो प्रशासन है वो लोग शहर के लोगों तक पानी पहुंचाता है। जी ठीक, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। धर्मवीर भी हमारे साथ लगातार मंडी से बने हुए हैं। धर्मवीर, फिलहाल पेयजल संकट को लेकर स्थिति ये है कि पहाड़ों पर, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, दूरदराज के गांव है, वहां तक पानी पहुंचाना लोगों के घरों तक बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन दिनों पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जो मैदानी इलाकों में तो मिल पा रही है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट बना है, क्योंकि गर्मी का मौसम वैसे ही चल रहा है और मानसून अभी फिलहाल देरी से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि गर्मियों के दिनों में जो है अक्सर जो है पानी की किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से है लोगों को ना एक समस्या का सामना करना पड़ता है। मल्टी सर्कल की बात करें तो मल्टी सर्कल में 1468 स्कीमें हैं, जिनमें से जो है 50 के करीब स्कीमें जो है इस वक्त प्रभावित हुई है। और पूरे मंडी जिला की बात करें तो उस समय जो है दर्जनों गाँव जो है पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो मंडी सर्कल की तो सुंदरगढ़ सरकार घाट बल ये 4 विधानसभा ऐसे क्षेत्र है जिनमें जो है पानी की किल्लत ज्यादा हो रही है, और यहाँ लोगों को जो है ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर जो है होकर जो है पानी लाना पड़ रहा है, और जो अपनी जो है रोजमर्रा की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पानी उपयोग करना पड़ रहा है। वही अगर विभाग के द्वारा जो है तीसरे दिन जो है पानी मंडी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, लोगों को तीसरे दिन ही पानी मुहैया हो रहा है, जिससे कहीं लोगों को जहाँ प्रचंड गर्मी से जूझना पड़ रहा है, वहीं पानी की वजह से भी लोगों को जो है कई दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पहाड़ों पर पानी की दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका, रॉबिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग, हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस से भी चलिए, अब लिस्ट जारी कर दिया कांग्रेस से कि उम्मीदवारों के घोषणा, नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही इलेक्शन ब्रेकिंग, नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया है, और तीसरा हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्पर्श संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हिमाचल उपचुनाव को लेकर फिलहाल कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है।
देखिए बिल्कुल, हिमाचल में उपचुनाव है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे और जो बैठके हैं वो देने को मिलती हुई नजर आई थी। हमीरपुर से बात करते हैं, पुष्पेंद्र वर्मा मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। एक बार फिर से पुष्पेंद्र वर्मा पे जो भरोसा है वो जो है कांग्रेस ने जो है जताया है। 2022 में भी पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जो है लड़ते हुए जो है नजर आए थे। हालांकि कुछ जो मार्जिन है उससे वो हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पुष्पेंद्र वर्मा को जो है मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नालागढ़ की, तो हरदीप सिंह बावा जो है वो चुनावी मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। एक बार फिर से हरदीप सिंह बावा को जो है चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से जो है मैदान में फिलहाल उतारा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा को टिकट मिला है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की लिस्ट जारी, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में हीटवेव को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हीटवेव को लेकर प्रदेश के 9 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। यह बड़ी खबर आ रही है, अलर्ट जारी, हीटवेव से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी की चपेट में पहाड़, तो कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कल से गर्मी से रात की संभावना जरूर जताई जा रही है। तो कल से 4 दिन तक कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। 5 से 6 जिलों में बारिश होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो आज के लिए हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, लेकिन कल परसों से रात जो है वो यहां पर जरूर मिलती नजर आएगी। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान यहां पर लगाया गया है कि बारिश के आसार जो है बने हुए हैं, लेकिन अभी हीटवेव का जो असर है वो देखने को मिल रहा है पहाड़ों पर। मनमिंदर अरोड़ा कुल्लू से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रॉबिन संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल कुल्लू का रुख करते हैं क्योंकि जो सैलानी है वो रुख यहां पर जरूर कर रहा है पहाड़ों का, लेकिन हीटवेव का जो प्रभाव है वो पहाड़ों पर भी पड़ रहा है। कितना असर टूरिज्म सेक्टर पर इस बढ़ती गर्मी का जो पहाड़ों पर बढ़ती जा रही है मनमिंदर, वो देखने को मिल रहा है टूरिज्म सेक्टर पर? देखिए जिस तरह से मैदानी इलाकों में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, तो कुल्लू जिला भी इससे छूटा नहीं है। तो बीते 10 सालों की बात करूं तो बीते 10 साल के बाद एक ऐसा समय आया है जो कुल्लू का तापमान जो 38 डिग्री के आसपास जो पहुंचा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो कुल्लू मनाली के इलाकों में जो तापमान में खासतौर पर पिछले 10 सालों में जो वृद्धि हुई है, वहीं जो इससे कहीं ना कहीं जो है अब कुछ कुल्लू जिला के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे पीने की पानी की किल्लत जरूर होने वाली है। लेकिन ये सिर्फ कुछ एक जगह की बात है, हालांकि दूसरी तरफ जो है बढ़ती गर्मी और बारिश ना होने की वजह से बागवान और किसान जरूर चिंतित है, क्योंकि फसलों पर इसकी खासी मार जो अब देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि अभी नाशपाती का सीजन अभी चलने वाला है, तो ऐसे में नाशपाती की जो फ्रूट की जो ड्रॉपिंग अब शुरू हो गई है। रात की बात जरूर है कि अगले अब कल से, क्योंकि मंगलवार से जो एक बार फिर जो मौसम बदलने वाला है और जो निचले क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ अब यहाँ पे बारिश होने की संभावना जो ऐसी मौसम विभाग ने जताई है। जहां तक मैं कुल्लू मनाली के पर्यटन व्यवसाय की बात करूँ, तो जाहिर तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ का खासी गर्मी पड़ गई, तो ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए भारी संख्या में जो टूरिस्ट जो है वो कुल्लू मनाली का जरूर रुख कर रहे हैं, लाहौल स्पीति अटल टनल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मनाली की जो होटल की ऑक्यूपेंसी है वो 100% चल रही है, जिसके बाद जो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब जाम की स्थिति भी पैदा होने लगी है। लेकिन क्योंकि काफी समय से जो मनाली का जो पर्यटन व्यवसाय है वो मंदा चल रहा था, तो ऐसे में जो पर्यटन कारोबारी है वो कहीं ना कहीं इसके बाद जरूर खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब क्योंकि मंगलवार से जो मौसम बदलने वाला है, तो प्री मानसून की जो एंट्री है जो अब बताया, जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल में शुरू होने वाली, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जो मौसम गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। रॉबिन संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शिमला से।
रॉबिन, फिलहाल हीटवेव का असर शिमला में भी पड़ रहा है, पहाड़ पर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर सैलानियों की संख्या पर पड़ रहा है क्या? सैलानी अभी भी रुक यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि मौसम विभाग ने जरूर कहा है कि अभी एक दो दिनों में बारिश हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि हीटवेव जो है ये खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के 4 से जो 5 जिले हैं वहां पर ये इसका जो असर है वो ज्यादातर देखने को मिलेगा। खासतौर पर ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में अगले 2 दिनों को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, और वहीं शिमला, कुल्लू, कांगड़ा में भी आज के लेकर ऑरेंज अलर्ट है, और कहा गया है कि अगले 24 से 30 घंटे के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा और कुछ आइसोलेटेड इलाकों में यानी कि कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी जो गर्मी का आलम यह है कि लोग कम बाहर निकल रहे हैं, और खासतौर पर जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी यही एडवाइजरी जारी की गई है कि बाहर कम निकलें, और खासतौर पर बच्चे, बूढ़े और क्रॉनिकल डिजीज से जो लोग ग्रस्त हैं उनको घर में रहने की हिदायत दी गई है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो है मौसम में भी तब्दीली आ रही है, और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जैसा कहा गया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो मौसम है वो बदलता नजर आएगा। तो आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्के हल्के जो बादल हैं वो आसमान पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले यानी कि कल के बाद हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासतौर पर जैसे शिमला है, कुल्लू, इसके अलावा मंडी और ऊपरी इलाके जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति है, यहाँ पर बारिश हो सकती है, और इसको लेकर थंडरस्टॉर्म और बारिश को लेकर भी यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अगर इन क्षेत्रों में बारिश होती है तो निश्चित तौर पर इसका असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा, और एक बार जो गर्मी से राहत है वो हल्की मिलती हुई नजर आती है। और बात करें तो इसके अलावा अगर आपने टूरिस्ट की बात की है तो यहाँ पर देखिए लगातार टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि जो ये हीट वेव का असर है ये ना केवल हिमाचल में है बल्कि पूरे उत्तर भारत में है, खासतौर पर दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं यहाँ पर हीट वेव जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। तो कुछ इलाकों में अब छुट्टी भी हो गई है, स्कूलों में छुट्टी है, तो ऐसे में लोगों के पास भी एक मौका बना है कि वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो भी शिमला में नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि ये जो हीट वेव है और गर्मी से अभी राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, गर्मी से अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन पर्यटन सीजन में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका और मनविंदर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि चंबा जिले के माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विद्यालय में सिर्फ एक टीचर के सहारे ही कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जबकि इस स्कूल में कई विषयों के पद कई वर्षों से खाली हैं, जिस वजह से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यार्थियों ने सरकार से आग्रह किया है स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरा जाए, जिससे कि उन्हें पढ़ाई में परेशानी ना हो। हमारे माता पिता बहुत ही गरीब हैं जो हमें इस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और मैं बहुत ही दूर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आता हूँ, पर हमारे यहाँ पर प्रवक्त पॉलिटिकल साइंस के स्टाफ नहीं, और निचली कक्षाओं में भी हमारे हिंदी, मैथ और साइंस के स्टाफ न होने के कारण यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही रुकावट आ रही है। इस कारण हम पहले भी सरकार से मांग कर चुके हैं, पर यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर 2-3 साल से यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं भेज रहे हैं। कृपया हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द स्टाफ का प्रबंध करें, और हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी के कारण हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैं हिमाचल सरकार से गुजारिश करती हूँ कि हमारे स्टाफ की कमी को पूरा करें, और पिछले कई वर्षों से हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है, और हमने ये मांग सरकार से पहले भी की थी, कृपया हमारे स्कूल में स्टाफ लाएं। उत्तर प्रदेश में HRTC समस्या समाधान मंच की बैठक आयोजित हुई, और बैठक की अध्यक्षता होशियार सिंह उलेरा ने की है। आपको बता दें कि दरअसल बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, और इस मौके पर महासचिव रामगोपाल शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। आज की जो बैठक है हमारी, हमारे जो परिवहन निगम के पेंशनर है उनको शुरू से ही जो वित्तीय समस्याएं जो चल रही हैं, अभी तक जो 8-8 सालों से 15-15 सालों से भी हमारे जो एरियर वगैरह पेंडिंग हैं उसके बारे में सरकार ना प्रबंधन जो है कोई गौर कर रहा है। हम लोग बार बार उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। पिछली सरकार के समय में भी ऐसा ही हुआ, हम लोगों को सिर्फ
आश्वासन मिलते रहे हम कर देंगे, लेकिन आपकी सरकार जो थी इनसे हमारे को उम्मीद थी कि ये सरकार जो है हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन 1.5 साल बीतने के पश्चात भी अभी तक हमारी समस्या को जस का तस रखा गया है। और चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।